देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। वाह वाह। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। भारत सलाम। और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे, यू प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी लंबी है। मनोज मुंतशीर, वाह। आप वंदे मातरम लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ये लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था, और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। मैं समझ सकता हूँ कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, गॉड सेव दिस क्वीन। भाई साहब, मैंने कहीं सुना था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं, विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5,000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही हैं, इनकलाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं और राणा प्रताप भी हम ही। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे, बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे। सर, आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। ना सुकून से जीना ना चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत, एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था, मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं, एक बीच से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है, अकेला ही 1,25,000 से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज
वो दिन आ ही पहुंचा। भगत जा रहे हो? हां बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जांबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां, इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए।